सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस महा भोलेनाथ की पूजा का विधान बताया गया है। कहा जाता है इस महीने में जो भोलेनाथ का दीदार करता है उसके सभी कलेश दूर हो जाते हैं। कहा जाता है इस माह के बाद 4 महीने तक सत्ता भोलेनाथ के हाथों में होती है। इसी माह देश के हर एक शिव मंदिर पर काफी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। आज हम आपको बताते हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर के बारे में। आपको बता दें भगवान शिव की पूजा में भस्म पूजा का महाविशेष महत्व माना जाता है। उज्जैन में भस्म आरती की प्राचीन परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है और एक दिन संपूर्ण सृष्टि इसी राख में परिवर्तित हो जानी है। इसलिए इस सृष्टि के सार भस्म को शिव जी सदैव धारण किए रहते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा को भस्म आरती दी जा रही है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि बाबा की आरती के लिए भस्म को तैयार करने के लिए गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर के वृक्ष की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ बहुत सारे शुभ मंत्रों के साथ बाबा को भस्म चढ़ाई जाती है। कहा जाता है यह भस्म भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार मानी जाती है, साथ ही यह उनको जगाने की विधि भी मानी जाती है। यह रोजाना सुबह 4 बजे किया जाता है। इस आरती को महिलाएं नहीं देख सकती हैं, इसलिए आरती के दौरान कुछ समय के लिए महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है। यह चलन काफी लंबे समय से यहाँ चला रहा है। कहा जाता है यहाँ प्रसाद के रूप में भी भस्म आरती दी जाती है, इससे सभी रोगों से भी मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।